सो ऐसी आवाज़ कैसे आती है ये मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये वाला वीडियो होने वाला है GSX 750 पे, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल मोस्ट इजी टू राइड 750cc बाइक, मतलब जो वो 600cc कैटेगरी वाली बाइक्स है उनमें से जिस तरह से ये पावर डिलीवर करती है बहुत ही ईजी है, और जितने भी नए राइडर्स हैं उनके लिए, जैसे कि मैं बता रहा था, और ये सेल पे थी एक्चुअली, बट आज ये सेल आउट हो रही है तो मेरा दिल और मन भावुक हो गया। मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना लेते हैं एग्जॉस्ट वाला, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी आप स्टॉक एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनोगे, उसके बाद ये वाली आवाज़ तो मैंने आपको सुनाई दी। सो दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन हो जाएगा कि स्टॉक वर्सेस दिस कस्टम एग्जॉस्ट। तो ये कस्टम एग्जॉस्ट में फिट किया गया है अभी, और क्या आवाज़ आ रही भाई, मज़ा आ गया। एंड पहले वो देखो, उसके बाद इधर मिलते हैं आपको रोड पे भगाते हुए। चलो लेट्स गो। सो ये है सुजुकी GSX 750, और जैसे कि मैंने कहा था ये बेस्ट बिगनर्स बाइक है, बिकॉज जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी। तो ये आपको बेसिकली स्केयर नहीं करती है, आपको डराती नहीं है। तो अभी इसमें एग्जॉस्ट लगने वाला है, बिकॉज एक इनलाइन 4 मशीन बिना एग्जॉस्ट के मतलब वो मज़ा नहीं आता है जो आना चाहिए, तो इसलिए एग्जॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो ये वाला जो स्टॉक एग्जॉस्ट है ये हटेगा, ऑल्दो इसकी आवाज़ भी स्टॉक में बहुत अच्छी है। बाकी ये वाली बाइक मैं पहले भी राइड कर चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे, काफ़ी इजी टू राइड थी। और इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि हायर गियर में जो ये स्पीड बना रही थी वो काफ़ी ज़्यादा था व्हेन कंपेयर टू Z900। ये हायर गियर में 10-15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा बना रही थी, और बाकी ये वाला कलर भी अच्छा है, तो इस कलर की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ह्यूज भी लगती है देखने में। ये अगर ब्लैक होता तो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, इतनी ह्यूज ना लगती। और उसके अलावा इसमें कई चीज़ें लगी भी हैं, जैसे आप देख सकते हो टैंक पैड्स लगे हैं, फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं, उसके बाद आगे फोक स्लाइडर लगे हैं, स्पूल्स लगे हैं। अगर टायर की बात करें तो ये जो नया एक टायर आया है बैटलेक्स, बहुत ही सही है यार ये टायर, कि मैंने ये ट्राई किया था और ये टायर सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप CBR 650R से कंपेयर करते हो विच आर शिटी टायर्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है, और काफ़ी हद तक लोडेड बाइक है, ये सब कुछ लगा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं लगवाना है इसमें। मुझे लगता है इंडियन रोड्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स हैं अगर आप लेना चाह रहे हो इस कैटेगरी में, 600-700cc कैटेगरी में, क्योंकि माइलेज बहुत अच्छा है, हीट मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैंने पहले चला रखी है, और उसके अलावा जो इंजन है भाई इतना ज़्यादा स्मूथ है। अभी अपनी GSX S1000F थी ब्लू वाली, तो इसका इंजन भी उतना ही स्मूथ फील होता है चलाने पर। तो एक बार स्टॉक एग्जॉस्ट की आपको आवाज़ सुना देते हैं। तो ये थी स्टॉक एग्जॉस्ट की आवाज़, और अब सुनाते हैं आपको जो उसमें एग्जॉस्ट लगने वाला है, एंड कौन सा लगने वाला है वो नीतीश भैया से पूछते हैं। एक्चुअली मैंने जो कहा कि थोड़ा सा लाउड चाहिए, तो एक दो ऑप्शन दिखाएंगे उसमें जो इनको अच्छा लगेगा, लाइक SC वही इसमें लगाएंगे। ओके okay. और बेसिकली स्लिप ऑन लगेगा ना इसमें? ओके okay, तो मतलब टाइम भी नहीं लगेगा, खट से लग जाएगा। अभी नया स्टॉक आया है क्या ये पूरा? ये रेड वाला कितना सही लग रहा है, हाँ CBR पर सूट करेगा ये ना। तो ये स्टॉक एग्जॉस्ट निकल गया इसका, और अब इसमें एक दो एग्जॉस्ट ट्राई करेंगे, जो आवाज़ बेस्ट लगेगी वो एग्जॉस्ट लग जाएगा इसमें। तो ये थोड़ा सा अलग एग्जॉस्ट देखने में लग रहा है, हाँ कस्टम एग्जॉस्ट है ये, और जैसे आपने देखा होगा डुकाती की कुछ बाइक्स आती हैं जिसमें डबल एग्जॉस्ट ऐसे साइड में लगा रहता है, वैसा कुछ फील आ रहा है। हाँ क्लिप व्लिप कुछ कहाँ लगी है, सही अभी तो बस चेक कर रहे हैं, चेक क्या आवाज़ है।
बहुत परफेक्ट आवाज़ आ रही है, ज़बरदस्त। इनलाइन फोर का मज़ा आवाज़ के बिना कहाँ ही आएगा। तो अभी दूसरा एग्जॉस्ट भी टेस्ट कर लेते हैं, और इसका लुक बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत खूबसूरत एग्जॉस्ट है ये। R1 में आता है ऐसे लुक वाला, R1M में, हाँ ऐसे ही लगा हुआ। अभी बस ऐसे ही हाथ से रोक के टेस्ट कर रहे हैं कि आवाज़ कैसी आएगी, बाद में अगर फिक्स करना होगा तो शायद बैंड पाइप चेंज करना पड़े। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम लाउड है, बट हाँ सही है, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा लाउड था। कैन एग्जॉस्ट छोटे होते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा लाउड होते हैं हमेशा। तो डिसाइड हो गया यही वाला जो कैन एग्जॉस्ट है, शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट यही लगेगा, और इसका लुक भी बाइक पे थोड़ा सूट कर रहा है, नेकेड है इस वजह से। सो आवाज़ सुनी कैसी लगी, आवाज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अब टाइम है बाइक को भगाने का थोड़ा, और क्या सुपर डुपर स्मूथ बाइक है। ट्रैक्शन कंट्रोल Level 1 पे है, Level 2, Level 3, एंड तुम्हारा भाई चलाता है ऑफ पे। सो ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया ऑफ, सो अब इसको थोड़ा सा भगा के देखते हैं, लेट्स सी कैसा साउंड करती है। ओह भाई भाई ये तो कम्प्लीटली चेंज हो गई भाई, कम्प्लीटली चेंज। तो एक चीज़ आज मुझे पहली बार अपनी लाइफ में रियलाइज़ हुई कि स्टॉक एग्जॉस्ट और अगर आपने एग्जॉस्ट चेंज करा दिया तो कितना अंतर आता है बाइक की परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस बोला मैंने, परफॉर्मेंस में आता है मतलब। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल ग्रीन लाइट है ब्रो, जाने दो जाने दो। यार मज़ा आ गया, क्या भागी है यार। स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ भी मैंने इसको चलाया है, बट कोई वैसा फील नहीं, वैसा मज़ा नहीं था यार। अब तो ऐसा लग रहा है गाड़ी में जान आ गई है। ज़बरदस्त बाइक है ब्रो। और आपको पता है GSX 750 हर गियर में ज़्यादा स्पीड बनाती है व्हेन कंपेयर्ड टू दी Z900, और ये मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ आपको व्लॉग में इससे पहले, बिकॉज इसकी जो गियरिंग है वो थोड़ी सी टॉल है, तो उससे क्या होता है ना कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी की टॉप स्पीड कम है। इसकी टॉप स्पीड ही काफ़ी अच्छी है, क्लोज टू 250 किलोमीटर पर आ रही है, टच कर देती है। एंड सुजुकी है, जापानीज़ है, तो मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कुछ सोचना पड़ेगा। और आप देख सकते हो मैं ट्रैफिक लाइट पे हूँ, अभी रेड लाइट हो गई है और मैं बाइक बंद नहीं कर रहा हूँ, और सच बता रहा हूँ बाइक बिल्कुल भी हीट नहीं कर रही है, मतलब बहुत हल्का फुल्का कर रही है। मेरी ड्यूक 390 से काफ़ी कम हीट कर रही है ये। सो जापानीज़ बाइक्स ऐसी होती हैं, और इसके पीछे का एक रीज़न बताता हूँ। और मुझे लगता है काफ़ी लोग सोचते होंगे कि KTM हीट करती है, अनरिफाइंड है, बेकार है। रीज़न ये नहीं है, ये इनलाइन फोर मशीन है, इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इंजन पे इतना स्ट्रेस नहीं है, गाड़ी बड़ी कम्फर्ट जोन में रहती है अपने। और मैं सच बताऊँ KTM से अच्छा, सॉरी मैंने बंद कर दी भाई, चलो ठीक है, वैसे भी इतनी हीट नहीं हो रही जैसे कि मैंने बताया आपको। एक चीज़ हमें पसंद हो KTM से या ना पसंद हो, बट KTM से अच्छा इंजन, सिंगल एंड डबल सिलेंडर इंजन मुझे नहीं लगता कोई बना पाता है भाई। वर्ल्ड क्लास इंजन बनाते हैं, और इंजन में प्रॉब्लम्स इसलिए आती हैं बिकॉज वो ओवरहीट करते हैं। ओवरहीट किस लिए करते हैं, बिकॉज जो KTM की बाइक्स होती हैं उतना पावर मार्केट में कोई और दूसरी जो कंपनी है वो नहीं निकाल सकती है उस इंजन से। आप देखो ड्यूक 43-44 BHP की बाइक सिंगल सिलेंडर, और वैसा एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कोई बाइक, ना R3 ना Ninja 300, कोई वैसा एक्सेलरेशन, ब्रूटल एक्सेलरेशन नहीं दे सकती है। ये सब बाइक कहाँ शाइन करती हैं, टॉप एंड में, क्योंकि डुअल सिलेंडर है, लॉन्ग लाइफ होती है इंजन की एंड इंजन पे स्ट्रेस नहीं होता है। तो अगर बात करें KTM की, तो KTM अपने इंजन से एकदम पावर निचोड़ लेता है, मतलब जितना आउटपुट
इंजन बना सकता है उतना KTM उससे निकाल लेता है भाई। तभी मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को कि पावरट्रॉनिक KTMs में ना यूज़ करो। जितने भी लोगों ने, मेरे जानने वालों ने यूज़ किया है, उनका इंजन बोला है भाई। मेरा दोस्त था ना, Max 101, दोस्त है अभी भी, थोड़ा सा नालायक हो गया है, बस फोन वोन नहीं उठाता है, बाकी तो ठीक है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो उसने भी लगाया था, तो उसका इंजन का भी काम हो गया था। और मैं ट्रैफिक में इससे फिल्टर कर रहा हूँ। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं कोई 200cc की बाइक चला रहा हूँ। इतनी लाइट वेट ये फील हो रही है, इतनी एजाइल ये फील हो रही है। ऑन पेपर डेफिनेटली इसका वेट बहुत ज़्यादा है, कम नहीं लगता है, बट हाँ स्टिल जब आप चलाते हो, मेन चीज़ वही होती है, हायाबूसा को आप देख के डर जाओगे तो फिर आप उसका मज़ा कैसे लोगे। हायाबूसा भी चलाने में ऐसी जैसी वो है वैसी नहीं लगती है। बट सही बताऊँ, जैसा एक्सपीरियंस ये बाइक प्रोवाइड कर रही है, ना तो Z900 ना मेरी 650R, इतना लाइट और इतना निम्बल। हाँ क्लच थोड़ा ज़रूर लाइट हो सकता था, क्लच थोड़ा सा हार्ड साइड पे है, बट ठीक है, फीडबैक बढ़िया मिल रहा है। बट ट्रैफिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है होल्ड करने में लगातार। वाह यार, मज़ा आ गया यार। तो अगर आप किसी बाइक को स्टॉक एग्जॉस्ट पे जज कर रहे हो, तो जो डिसीजन होगा उस बाइक को लेके वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आज सीखी, और जैसे जैसे इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है चीज़ें सीखता जाता है, और हमेशा सीखते रहना चाहिए। नो मैटर आप किससे सीख रहे हो, आपसे छोटा इंसान है, बड़ा इंसान है, एज में हर इंसान कुछ ना कुछ सिखाता है आपको। तो वो जो नॉलेज है वो बटोरते रहो एंड बी अ बेटर पर्सन। अरे ये बुलेट वाले तो भड़बड़ भड़बड़। क्या आवाज़ आ रही है, दिल खुश कर दिया। नहीं 650R जितनी तो लाउड नहीं है, ऑफ कोर्स बिकॉज जो एग्जॉस्ट है उसमें ऑस्टिन रेसिंग लगा है, टाइटेनियम एग्जॉस्ट है। बट हाँ, जिस प्राइस में, जिस बजट में ये एग्जॉस्ट आता है, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई और ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। चलो पुल करते हैं एक बार। मज़ा आ गया भाई, बाप रे। क्या भाग रही है यार, जबरदस्त पावर है भाई, जबरदस्त। क्या बात है यार, मार रहा है पॉप्स एंड क्रैकल्स, मार रहा है, मजा ही आ जा रहा है यार सुन के। ब्रेक्स थोड़ी और बेटर हो सकती थी एक्चुअली। CBR 650R जैसी बाइक ऑफर करती है, उसके बाद इस कैटेगरी की कोई और बाइक आप चलाओ तो और किसी की ब्रेक्स वैसी जान नहीं पड़ती है, जो ट्रुथ है। बट उसके अलावा हर एक चीज़ में ये CBR से बेटर लग रही है मुझे। चलो भगा के देखते हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, मज़ा आ गया भाई। मैं क्लच लेके आवाज सुनाता हूँ। तो बाकी अगर बात करें, USD फोक्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल के 3 लेवल मिल जाते हैं, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, जो स्पीडोमीटर वो फुली लोडेड है, ऑल दो इतना ज्यादा मॉडर्न नहीं लगता देखने में, बट सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा, एक एक चीज मिल जाएगी आपको, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, सब कुछ। खैर वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बहुत। बाकी यहाँ पे जो RPM मीटर की लाइन है वो थोड़ी सी और अग्रेसिव होती तो और फील आता, बट इसको जब आप भगाओगे एग्जॉस्ट लगाने के बाद, तो मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ, आप नीचे नहीं देख पाओगे, क्योंकि बाइक काफ़ी पावरफुल है, अच्छी खासी पावर है बाइक में। आई थिंक 110 BHP प्लस है ये बाइक, बट मुझे बहुत पसंद है ये बाइक। जैसे ड्यूक चलती है, मैं एकदम ड्यूक के लेवल में मैच कर रही है इसकी हैंडलिंग, और मतलब परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली बहुत खूनखार है इसकी, बट इन अ लीनियर वे। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा ही होगी।
जितनी मज़ा मैंने करी है बाइक भगा के उतनी मज़ा आपको भी फील हुई होगी, आई होगी। एंड इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली फॉलो कर लो, ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे चैनल पे। एंड यार थोड़ी सी स्पीड कम हो गई अपने सब्सक्राइबर्स की, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दो, जो नए व्यूअर्स हैं वो थोड़े पुराने वीडियोज़ चेक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाकी सुपर बाइक चाहिए, एग्जॉस्ट चाहिए तो आप रेस जैन मिक्स आ सकते हो। गुड मॉर्निंग फॉर यू पीपल एंड मेरे लिए गुड नाइट। चलो।